जय बल्लभी। आज सोना की स्टोरी बता रहे हैं। सोना की स्टोरी में ट्विस्ट है, इसलिए थोड़े उत्साह के साथ बोल रहे हैं, और वो ट्विस्ट है इसलिए ही उसकी स्टोरी है, अन्यथा तो हर एक घर घर की कहानी है कहीं कहीं। तो ये कहीं कहीं मतलब क्या है? तो सोना है, वो घर घर जाके बर्तन मांजना, कपड़े धोना आदि काम करती थी। 16-17 साल की उम्र में ही उसको ब्याह दिया। कुछ इतना बर्डन कभी कभी हो जाता है माता पिता के ऊपर, सोचते नहीं ज्यादा, कुछ देखा नहीं और ब्याह दिया। जहां ब्याह कर गई तो ससुराल वाले कुछ लोग अच्छे थे, सब बुरे थे नहीं, लेकिन उनका पति खुद बहुत बुरी तरह से बर्ताव करने वाला आदमी निकला। बोले तो कभी कभी हो जाता है ना, हम एक वीडियो में बोल चुके हैं कि रावण मिल जाए तो क्या करें, तो ऐसे बेचारे को रावण मिल गया। दोनों हाथ पकड़, एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ना और पीटना, दारू पी के आना, उसी से पैसे मांगना, यह सब चल रहा था। रोंगटे खड़े होते थे सुन के, दुख होता था। आज भी ये वास्तव बहुत जगह पे है। जिनको ये इस प्रकार की स्टोरीज मालूम नहीं है उनको ये नया है, लेकिन जो जिनको मालूम है उनको मालूम है अच्छे तरह से कि बहुत जगह चलता है। तो बेसहाय रहती थी। मैं बोला कि बेटा ऐसा करो, आप उनको रोको, एक लगा तो झपड़। बोलती थी इतना ताकत नहीं होता है, मैं 16 साल की थी, वो कुछ 28-29 साल का था, तो पहले से ऐसे सप्रेस होती गई, मार नहीं सकती उसको, हिम्मत नहीं होती, ताकत भी कम पड़ती है। तो मैंने सोचा ठीक है, मार नहीं सकती, हाथ तो पकड़ सकती हो ना। नहीं, बोले दोनों हाथ से, दोनों हाथ एक हाथ में पकड़ के वो दूसरे हाथ से पीटता है। जहां दीवार है उस दीवार पे ढकेल देता है, खोपचे में बोलते हैं मराठी, और मारता है। ऐसे बुरी तरह से जीवन चल रहा था। हमने बोला चलो हम आके बात करते हैं। हम बोले मानव जागरण के हमारे मित्र आ जाएंगे, कुछ तो करो। स्टोरी यहां पे ब्रेक हो गई, उसे वो क्लिनिक में आना बंद हो गई, तो आगे कुछ पता नहीं चला। और अचानक ये आ गया ट्विस्ट। पता नहीं कौन से कारण से हम अपने ऊपर ले भी सकते हैं उसका जो भी क्रेडिट है वो, या नहीं ले सकते, नहीं भी ले सकते, ठीक है, जो भी हो, कुछ कारण वशात ऐसे हो गया कि 5 साल बाद फिर से वो आई और उसके चेहरे पे हंसी थी। बोले दादा इतना बात हमारा चलता था, लेकिन एक दिन आ गया, मैंने उसको ना पलट के मारा ना उसका हाथ पकड़ा, फिर क्यों आनंदी हो, पिटती तो होगी। बोले नहीं दादा, हमने उसको छोड़ दिया, उसका जो भी घर था जो भी है उसके लिए थोड़े ना लाइफ लॉन्ग ऐसे पिटती। मैं अभी किसी झोपड़े में थोड़ा बहुत किराए पे रह लेती हूँ अकेली, और काम करके आनंद से जीती हूँ। अभी वो आएगा तो आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा हमारा दोस्ताना हो गया तो वो लोग उसको मार भगा देंगे, मेरे पास आएगा नहीं अभी पैसे मांगने के लिए। तो इस प्रकार से एक अबला बन गई सबला, सोना थी सोना, लेकिन उसको कोयला बना दिया था, फिर से झलक उठी। अभी ज़्यादा तो नहीं, हर एक में कुछ कम ज़्यादा होता है, इसलिए और ज़्यादा शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये है। चलो एक शादी टूट गई, दुख तो होगा, लेकिन दुख नहीं भी होगा, क्योंकि दूसरा कोई चारा ही नहीं रहा था, ना माँ बाप सपोर्ट के लिए आते थे, ना भाई, ना सास ससुर, कितने दिन सहेगी। तो आखिर ये तो 10 साल की स्टोरी है टोटल,
इसका हिसाब लगाए तो। और उसके पहले हमारे यहाँ उनका क्लिनिक में आना हुआ, उसके पहले के समय क्या होता था, कितने साल गए थे वो मालूम नहीं। तो ये 15 साल की स्टोरी अभी ऐसे अच्छी तरह से ख़त्म हो गई, 1-2 साल हो गए। तो कुछ तो भी सपोर्ट सिस्टम जो भी है हमारे हिंदुस्तान में वो भी काफ़ी नहीं, आखिर खुद को ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि पुलिस को बताएंगे तो और झमेला खड़ा हो जाएगा, शैतान क्या कर देगा पता नहीं, मानव जागरण को बता देंगे तो भी यही प्रॉब्लम है, तो दूसरे की हेल्प नहीं ले सकते, रिलेटिव्स की ले सकते लेकिन वो देते नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कायदे कानून हो के भी कभी कभी सुलझा नहीं सकते, सपोर्ट सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी ये केस है। लेकिन फिर भी खुद के बलबूते भी हो सकता है कर दिया,